टू अवर फार्मास्यूटिकल ज्ञान चैनल। आज हम आपको फर्बिलिटी के बारे में बताएंगे। फर्बिलिटी होती क्या है? फर्बिलिटी क्या होती है कि टू चेक द ब्रेकनेस एंड क्रैकिंग ऑफ टैबलेट, किसी भी टैबलेट की उसमें ब्रेकिंग आना या टूट जाना, उसको चेक करने के लिए हम फर्बिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। फर्बिलिटी एक प्रोसेस होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि चेक करने के लिए सबसे पहले वेट जो है हमारा टैबलेट का वो 6.5 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 6.5 ग्राम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 ग्राम या 12 ग्राम जो है टैबलेट लोगे। ओके, तो अब फर्बिलिटी को जो है 4 मिनट के लिए जो है हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्बिलिटी इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहता हूँ कि वो होती कैसी है। फर्बिलिटी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम यहाँ से टैबलेट को, जो भी हमने वेट किया है टैबलेट, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 मिनट के लिए जो है राउंड करेगा, और 4 मिनट के लिए राउंड करेगा। उसके बाद जो है हम 4 मिनट कंप्लीट होने के बाद उस टैबलेट को जो है हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसका वेट जो है बैलेंस पे लेंगे। तो ये हमारे पास फर्बिलिटी इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे वेट लेना है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है, मान लो हमारे पास कोई भी टैबलेट आई है, ओके, उसका हमने वेट ले लिया 6.5026 ग्राम। उसको हम फर्बिलिटी इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे और उसको जो है 4 मिनट के लिए राउंड करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे अगर जो कोई भी एक टैबलेट टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ये जो है फर्बिलिटी में फेल है टैबलेट, हम उस टैबलेट को फेल कर देंगे। अगर जो नहीं टूटती है, पाउडर बनता है थोड़ा बहुत, तो जो बची हुई टैबलेट है उनको हम फर्बिलिटी इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल लेंगे और उस वेट को दोबारा देखेंगे कितना वेट है उसको। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ टैबलेट टेकन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। उसके बाद कितना राउंड होने के बाद, रोटेशन के बाद जो टैबलेट बचती है वो, उसका वेट ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे उसका वेट हम लिख लेंगे कुछ भी। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय जितना हमने सैंपल लिया है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमेशा जो है 1% से कम आनी चाहिए, लेस देन 1% से कम होनी चाहिए। अगर जो ये 1% से ज़्यादा ही आती है तो इसका मतलब है जो हमारी जो है टैबलेट फेल है, फर्बिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर रही है और उस टैबलेट को हम फेल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है फर्बिलिटी थी। हम कैसे चेक करते हैं फर्बिलिटी, किसी भी टैबलेट की फर्बिलिटी चेक करना है और कितने रोटेशन होती हैं। 4 मिनट में जो है ये 100 रोटेशन करता है, 1 मिनट में 25 रोटेशन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्बिलिटी क्या होती है। थैंक यू।